सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने चीन में अपनी रिलीज के पहले दिन 18 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। भारत में यह फिल्म 2 वर्ष पहले रिलीज हुई थी। बजरंगी भाईजान एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो भारत में गुम हुई पाकिस्तानी लड़की को सीमा पार कराकर उसके देश पहुंचाता है। यह फिल्म चीन में रिलीज हुई सलमान की पहली फिल्म है। इसे शुक्रवार को रिलीज किया गया। चीन में आमिर की फिल्में काफी लोकप्रिय रही हैं। चीनी बॉक्स ऑफिस के मुताबिक बजरंगी भाईजान ने चीन में आमिर खान की दंगल की पहले दिन की कमाई को पछाड़ दिया है। हालांकि बजरंगी भाईजान की कमाई हाल ही में रिलीज हुई आमिर की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार से कम है, जिसने चीन में रिलीज के पहले दिन 40 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दंगल ने चीन में कुल 1000 करोड़ रुपए की कमाई की और चीन में यह सर्वोच्च कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई। यहां बॉलीवुड फिल्मों की दीवानगी बढ़ रही है। वहीं फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार की यहां कुल कमाई 750 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। बजरंगी भाईजान को भी बेहद अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और इसने शनिवार दोपहर तक 25 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। चीनी टिकेटिंग वेबसाइट माओयान पर एक यूजर लारेना यांग ने लिखा, भारत का हमेशा अपना स्टाइल रहा है। फिल्म की कहानी अच्छाई की मानवीय प्रकृति को दर्शाती है।